हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर आज हम रिव्यू करने वाले हैं दिस WowSkinscience ACV फेस मॉइस्चराइजर का। सो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले डायरेक्टली इसके पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, ये एक कार्ड बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा और अंदर आपको एक ट्यूब पैकेजिंग मिलेगी। और ये 100 ml का प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो है 349 rupees। ये कुछ इस प्रकार से इसका जो है इनर पैकेजिंग दिखती है, ट्यूब दिखता है। तो ACV मीन्स एप्पल साइडर विनेगर, और ये एक फेस मॉइस्चराइजर है और ये एक ऑयल फ्री फार्मूला के साथ आता है। इसके अंदर नहीं है कोई पैराबेन, सिलिकॉन और मिनरल ऑयल। ओके, सो ये थी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन। और ये जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंडेड है फॉर ऑयली टू सेंसिटिव स्किन टाइप ऑफ पीपल। और ये है, तो गाइस ये मॉइस्चराइजर हेल्प करेगा आपकी ऑयलीनेस को कम करने के लिए, ऐसा ये कह रहा है। हेल्प प्रिवेंट ऑयलीनेस और ये हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को। और 2 ईयर्स की आपको इसके साथ शेल्फ लाइफ मिल जाती है। और ये जो प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो अभी मैंने बॉस को इधर रख दिया है और अभी हम कुछ इस ट्यूब के बारे में बातें करते हैं। तो मैं आपको और एक बात बता दूँ, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है और बीटरूट एक्सट्रैक्ट भी है। तो अभी मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा दूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का जो है प्रोडक्ट है। बिल्कुल भी आप ऐसे ई ना करेंगे तो ये बहुत अच्छे से गिर जाएगा नीचे। तो आप ऐसे पकड़िए, फिर आप दबाइए तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप निकालिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का है। और ये जो है वाइट कलर में आपको मिलेगा। जो स्मेल है वो ACV की जैसे आती है एप्पल साइडर की, वैसे ही इसके अंदर से जो है स्मेल है। और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ग्रेजी नहीं है, ऑयली नहीं है, बहुत सही मॉइस्चराइज़र है। और गाइस मैं भी आपको आगे कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स से। तो सिंपली आप वाव ने की इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, जो वाव की इंग्रेडिएंट ही मेंशन करता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है प्यूरिफाइड वाटर। ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत बढ़िया जो है एक बात है, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। और कुछ अदर इंग्रेडिएंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो गाइस जो हाइलुरोनिक एसिड आपको मिल रहा है वो जो है मीडियम में आ रहा है, कि ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट में डला होगा। और जो है आपको ACV जो है हाइलुरोनिक एसिड के बाद डालना है। गाइस ACV को हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, बिकॉज वो बहुत ही pH उसका अच्छा नहीं होता है, इसके कारण वो जो है लास्ट में है। इसका मतलब लास्ट नहीं है, थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड के बाद ही आपको ये जो है इंग्रेडिएंट मिल जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कहा है इस वाओ स्किन साइंस का एक ACV फॉर्मिंग फेस वॉश भी आता है, जो ब्रश वाला, वो मैंने ट्राई किया है और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लिटरली गाइस मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उस फेस वॉश से कि वो फेस वॉश मेरे एक्ने को कम करेगा और मेरी स्किन को क्लीन कर देगा, अच्छे से डीप क्लीन कर देगा। बट वो फेस वॉश रियल में वो करता है, एक्ने को भी कम करता है और आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। और उसके अंदर ACV था, इसलिए मैंने उस बात को ध्यान में रखते ये पिक किया है ACV फेस मॉइस्चराइज़र, कि भाई ACV मेरे एक्ने को कम किया तो ये भी कम करेगा। तो गाइस मैं भी आपको बता दूँ कि मॉइस्चराइजर ने रियल में मेरे एक्ने को कम किया। तो गाइस बात ऐसी है कि ये मॉइस्चराइजर सिंपल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, बाकी कुछ भी नहीं करता। ना तो आपके एक्ने को बढ़ाता है, ना आपके एक्ने को कम करता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी, इसने मेरे एक्ने को कम नहीं की, ओनली स्किन को हाइड्रेट कर देता है, बाकी कुछ भी नहीं करता। सो बस यही है इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस प्रोडक्ट। तो गाइस इस वीडियो का भी हमको यही पे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, ना कि ये प्रोडक्ट मुझे PR में मिला है, ये खुद मैंने मेरे पैसों से बाय किया हुआ है। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।